आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रिप्टिंग में स्क्रिप्टिंग गूगल स्क्रिप्टिंग में हमने लास्ट क्लासेज में मैक्रोज को देखा था, मैक्रोज को इंट्रोड्यूस किया था कि मैक्रोज क्या होते हैं, कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, और आप हाँ सर, यूज किया था। चलिए उस माइक्रो रिकॉर्डिंग की मदद से कुछ और हम स्क्रिप्टिंग को समझते हैं और उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ओके सर, जैसे कि मान लीजिए कि आप ही का एक प्रॉब्लम था कि क्या एक्सेल को फॉर्म की तरह एंट्री कर सकते हैं क्या, कैसा? याद है? एक जो एक्सेल में जो सीट का फॉर्म होता है, क्या उस तरह का फॉर्म हम यूज कर सकते हैं गूगल सीट में? हाँ बोला था आपने सर, तो हाँ सर, हाँ सर, चलिए उसी पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी उसको फर्स्ट टाइम, हो सकता है सर, मैंने टेस्ट किया था, वो हो गया मेरे मेरे से। हाँ हो गया था सर। उसी चीज के कोड्स को हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है ना। हाँ सर, सबसे पहले अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले चीज को जानिए। जैसे कि यहाँ पे किसी भी इसमें किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए उसके ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी होता है, हाँ सर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी होता है कि क्या ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, एक तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है आपका, वो होता है सीट, राइट। हाँ सर, दूसरा होता है हमारा सेल। तो हम जब हाँ सर, सीट के बारे में जानते हैं कि हम सीट को क्या क्या कर सकते हैं, राइट। हाँ सर, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें एक नई सीट इंसर्ट करना है, उस सीट का नेम चेंज करना है, राइट। हाँ सर, उसके बाद उस सीट को डिलीट करना है, ऐसे ही प्रोग्राम को क्या किया जा सकता है? चलिए इसकी क्या बोले, सीट के ऊपर जो हो रहा है उसका प्रोग्राम बनाया। सीट वाला कोड को समझिए। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, जब हम फंक्शन हमारा बनता है सर, तो हमें एक वेरिएबल लेना होता है। अभी जहां पे वेरिएबल में इसने स्पेयरशीट लिया हुआ है, तो कुछ भी कुछ भी हम ले सकते हैं। तो वेरिएबल्स में इसको डिक्लेयर कर दिया है कि स्पेयरशीट डॉट एक्टिव शीट, राइट। स्पेयरशीट हाँ सर, डॉट एक्टिव शीट, यहां पे एक्टिव शीट की जगह पे आप शीट का नाम भी दे सकते हैं, गेट सीट बाय नेम। हाँ। ठीक है। सर, तो यहां पे जैसे देखिए, यहां पे स्पेयरशीट डॉट एक्टिव शीट हो गया, यहां पे रेंज ए डॉट एक्टिवेट, यहां पे देखिए एक सीट को इंसर्ट हुआ, फर्स्ट सीट इंसर्ट। यहां देखिए ये चीज को, इसको समझिए कि एक सीट को इंसर्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। इंसर्ट सीट लिख हाँ, स्पेयर शीट मतलब कि यहाँ पे सबसे समझे, यहाँ पे सबसे पहले उसने वेरिएबल ले लिया। कुछ भी करने के लिए आपको वेरिएबल लेना होता है, जिसने वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है स्पेयर शीट, का ठीक है। और वेरिएबल में क्या होना चाहिए, जिसने बोल दिया स्पेयर शीट एप डॉट एक्टिव शीट, तो एक्टिव शीट को इसने इस पे लोड कर दिया, राइट। सर। गेट एक्टिव पे लोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि रेंज एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे देखिए एक दिया है कि इंसर्ट शीट, यहाँ पे एक सीट है, अगर मैं दो डाल दूँ तो दो सीट इंसर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे गेट रेंज भी एक्टिवेट किया, इसके बाद सीट का नाम जो है सेट नेम इसने डीडी किया, और फिर यहाँ पे सीट को इसने डिलीट कर दिया, समझे। सीट का नाम देके भी डिलीट हो सकता है ना इसमें? हाँ, इसने एक्टिव सीट को डिलीट कर दिया हुआ है, जो एक्टिव सीट हाँ सर, डिलीट किया हुआ है, जो भी एक्टिव सीट हो। ओके सर। अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सीट पे के नाम से डिलीट कर सकते हैं, जी हाँ। अब जैसे मैं अभी फॉर्म सीट पे हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग मैक्रो में आता हूँ, मैक्रो को रिकॉर्ड करता हूँ, राइट। अब मैं जैसे डेटा शीट पे गया, तो डेटा शीट पे एक्टिवियन सीट डेटा यहाँ पे आया। अब डेटा शीट को डिलीट करने का क्या रोल है, ये देखिए यहाँ पे,
कोई नहीं, मैं स्टॉप करूंगा फिर जाके होगा यहाँ पे। यहाँ पे नहीं आया तो इसके एक बार इसको रिफ्रेश करना होगा, है ना सर। अब यहाँ पे जैसे हाँ सर, वे स्पेसी डॉट एक्टिव शीट, यहाँ देखिए गेट स्पेसी डॉट सेट एक्टिव सीट स्पेसी सीट गेट सीट बाय नेम, और यहाँ पे इसने डेटा रख दिया हुआ है, समझे। हाँ सर, आगे डिलीट का डिलीट कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ तो इसने जैसे कि यहाँ पे स्पेसी डॉट सेट एक्टिव शीट आपको यहाँ दिख रहा है ना, अब यहाँ पे देखिए इसको बताता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, इसने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे क्या था, पहले जो एक्टिव शीट थी उसको इसने रख लिया। जब मान लीजिए कि आपका डेटा डेटा शीट एक्टिवेट था तो इस कोड से ऊपर तक डेटा शीट एक्टिवेट था, राइट। राइट सर, उसके बाद इसके नीचे क्या हो गया, इसके नीचे हमारा कौन सा शीट एक्टिवेट हो गया, डेटा सेट। एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे लिख दो स्पेस शीट डॉट एक्टिव से डिलीट, तो ये हमारा डेटा शीट ही डिलीट होगा, समझे। डिलीट बात समझे कि नहीं। डिलीट सीट बाय नेम डेटा डेटा करी दे, और क्या क्या बोल रहे हैं, कोड डिलीट करवा मटे जैसे कि डिलीट जैसे मैं यहाँ पे सीट डीडी बाय दे दिया, नेम सुनिए मैं यहाँ डेटा। पे डीडी दे दिया, अब यहाँ मैं करता हूँ डीडी डॉट, इसमें इसके बहुत सारे ये हैं। अब जैसे बोला कि डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे डिलीट एक्टिव शीट दिख रहा है, हाँ सर, डिलीट कॉलम डिलीट दो, यहाँ ये रहा डिलीट सीट, डिलीट सीट, एमा सीट नु नाम आपी देवानु। सीट नेम है हमारा, ये सीट नेम की जगह पे हमारा जो डेटा शीट है वो डेटा शीट है, नहीं शीट है, तो इसको यहाँ पे पूरा ही देना पड़ेगा ये, स्प्रेड सीट नो आपको वाक्य। ठीक है ना। हाँ सर, इन्वर्टेड कोमा में होता तो इन्वर्टेड कोमा में हम फिर डेट नेम दे देते, लेकिन यहाँ पे ही देना पड़ेगा, तब जाके शीट आपका डिलीट होगा। ट्रू ट्रू देना पड़ेगा ना सर। नहीं ये ट्रू तो एक्टिव के लिए है ना सर, विजुअल है या अनविजुअल है, जैसे इसने ये जो आपका ये बोल रहा है ना ये अलग चीज हो गया। जैसे मैं दे देता हूँ डी डी डॉट एक्टिव सेट एक्टिव, यह ना एक आपका मिनट। हाँ सर, हाँ इसमें सर, जो आपका इसमें जो आ रहा है एक सेट एक्टिव शीट दिख रहा है ना आपको सर, यहाँ पे सीट का नाम हुआ सीट हुआ, ये आपका बुलियन ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका जो पाथ होता है वो पाथ किसी और चीज के लिए होता है, यहाँ पे कि भाई रीस्टोर सिलेक्शन हो या नहीं होगा उसके लिए होता है सर। इसका मतलब समझिए ना कि जो सीट आपने एक्टिवेट किया वो विजिबल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ सर, हाँ सर, तो आप क्लियर समझिए कि किसी सीट को आप इंसर्ट करने के कोड समझ गए कि सीट को इंसर्ट कैसे होगा, हाँ सर, राइट। किसी सीट को हम डिलीट कैसे करेंगे ये भी आपको पता चल गया, हाँ सर, किसी सीट को मैं रिनेम कैसे करूंगा ये भी पता चल गया आपको, हाँ सर, रीनेम रीनेम का डायरेक्ट कोड ही लिखिए यहाँ है सर। ना एक्टिव सीट गेट सीट नेम डॉट, यहाँ पे गेट एक्टिव सीट नहीं लेना चाहते कोई पर्टिकुलर कितने सीट तो आपको ये इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, उसके बाद यहाँ पे सेट नेम और नेम आप यहाँ सिंगल कोटेशन मार्क में डाल सकते हैं, और डिलीट करने का भी आपने जाने लिया, राइट। सर, अब हम बात करते हैं डेटा सिलेक्शन की, कि हम डेटा को सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि डेटा सिलेक्शन काफी ज्यादा है। डेटा सिलेक्शन से पहले हम बात करेंगे कर्सर मूविंग का, कि कर्सर कैसे मूव करेंगे, कर्सर मूव का कैसे डेटा सिलेक्शन ही समझ लीजिए, डेटा सिलेक्शन कैसे करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ डेटा शीट पर आया हूँ, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ, इसको याद आ जाता है,
ठीक है। ओके सर। मुझे इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, इस पूरे एरिया को मुझे सिलेक्ट करना है, क्या करेंगे? क्योंकि तो आप इसको, सिलेक्ट हाँ, पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, गेट रेंज, यहाँ पे सेट वैल्यू, लेकिन मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्टिवेट नहीं, सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या कोड लिखेंगे, मान लीजिए मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मुझे वेब एस एच मैं सीट सीट इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे एस पी। अच्छा, अगर मान लीजिए हम नहीं भी देते हैं एक्टिव सीट, तो यहां पे मुझे लिखना होगा नहीं, वेरिएबल तो देना पड़ेगा सर, ठीक है, वेरिएबल लिखने का कंफ्यूजन है सर। तो चलिए वेरिएबल एस एच ये जो हमारा एक्टिव शीट डॉट ऐप है इसको ले लेते हैं, राइट। ओके सर। इसके बाद अभी तो सीट हो गया, इसके बाद क्योंकि यहाँ पे सीट का रेफरेंस जरूरी होता है, डायरेक्ट रेंज नहीं दे सकते आप। अब यहाँ पे अगर मैं डालू डालू एस एच डॉट गेट रेंज, ठीक है ना, गेट रेंज दिख रहा है, ओके सर। गेट हाँ सर। एक्टिव, यहाँ पे गेट एक्टिव रेंज, हाँ, गेट रेंज करके आएगा, एक्टिव सीट करेंगे फिर बाद में आएगा ना सर। नहीं ऐसे छोड़ देगा ना, एक्टिव सीट ऐसे है ना हमारा, हाँ गेट रेंज आ जाएगा। गेट रेंज आ गया हाँ ना। गेट रेंज आ गया ना। अब इस गेट रेंज में मुझे जो है देना है रेफरेंस कि क्या होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सिंगल कोट के साथ कर दिया, ए वन से लेके। अब यहाँ पे अगर मैं सही यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि पूरा ए वन से लेके जी थर्टीन, A1 से लेके G13 यहाँ पे हमें लिखना होगा, G13 सर सीट का रेफरेंस भी देना पड़ेगा ना। रेफरेंस बोल दिया ना, SH हमें बोल दिया ना, SH एक्टिव सीट है ना हमारा, हाँ एक्टिव सीट। हाँ बराबर। तो यहाँ पे डॉट सेलेक्ट, एक्टिवेट तो पता है नहीं, ये सारे इसके हैं, कॉपी पेस्ट सब चीज कर सकते हैं आप यहाँ पे। नेट बैकग्राउंड फॉन्ट वगैरह देख रहे हैं, फॉन्ट वगैरह फॉर्मूला वगैरह भी हाँ दे सर। सकते, यहाँ पे नोट्स भी दे सकते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे। अगले करंट रीजन का देना पड़ेगा ना सर। कुछ और कर रहा था, एक सिलेक्शन कर रहा हूँ ना मैं, एक एरिया सिलेक्शन के लिए हमने दिया हुआ है, तो जैसे एक्सेल में एक्टिवेट और सिलेक्ट अलग अलग होता है, क्या यहाँ भी सेम ऐसा ही है या अलग है यहाँ पे? कोई हो रहा
जब मैं यहाँ रन करके देखता हूँ, टूल्स मैक्रो, स्पेशली इज नॉट डिफाइंड। अच्छा एस एल है ना, ऐसे नहीं होने आया इसमें। क्या देखिए ये यहाँ पे जो होता है वो ये होता है सर, यहाँ करंट इसने, सर, हाँ यहाँ देखिए, इसने सबसे पहले जो एक वेरिएबल लिया जो एक्टिव शीट वर्क किया, फिर इसने A1 को एक्टिव शीट में A1 को एक्टिवेट किया, और फिर ये बोलता है करेंट सेल डॉट स्प्रेडशीट डॉट करेंट सेल, ठीक है ना। एक वेरिएबल लिया करेंट सेल, जिसकी जो एक्टिव सेल A1 था उस A1 पे यहाँ पे लोड कर दिया, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे स्पेयरशीट डॉट एक्टिव एक्टिव रेंज, यहाँ देखिए स्पेयरशीट डॉट एक्टिव रेंज डॉट गेट डेटा, डेटा करेंट रीजन जो होता है रीजन। यहाँ पे डेटा रीजन होता है, और यहाँ पे अच्छा उसने एक्टिवेट कर दिया। तो एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे गेट रेंज और ये अपना रेंज डॉट एक्टिवेट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज को एक्टिवेट करता है। जो आपने A1 से G13 किया था वो क्यों नहीं हुआ था? सही पता नहीं, माइक्रो लिस्ट में नाम ही इसका नहीं आ रहा है, माइक्रो नेम तो सही है। सिलेक्शन SEL हटा के मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं TT कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, स्किप माइक्रो में, ये देखिए इसमें माइक्रो माइक्रो नेम ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, मैं जो खुद से डिफाइन किया, स्किप आइटम सेव करना पड़ेगा सर, सेव सेव कर देंगे तो आ जाएगा, नहीं, सेव एक बार कर दिया सेव कर मैंने, मैं दीजिए। सेव तो कर दिया ना, कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ पे ये नहीं यार, एक बार इसको मैं इम्पोर्ट पे जाता हूँ, इम्पोर्ट, हाँ माफ कीजिएगा, इम्पोर्ट के लिए क्या करना होता है, जैसे आप जो खुद से मैक्रो बनाते हैं उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, राइट सर। हाँ सर, यहाँ पे ऐड फंक्शन कर दिया मैंने, अब ये हमारा इम्पोर्ट हो गया, तो याद रखिएगा जब खुद से फंक्शन बनाइएगा तो उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आ गया ना एसएस टीटी आ गया, हाँ डेटा सेलेक्ट हो गया, क्लियर सर, हो गया, है। क्लियर है सर। कोई इससे इंपोर्ट कहाँ मैं से किया आपने सर?
यहाँ से टूल्स में ही यहाँ मैक्रो में इंपोर्ट होता है। ओके सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, हाँ क्लियर है। क्लियर है इसी में सर। जैसे मान लीजिए कि आपको नीचे से ऊपर जाना है, या ऊपर से नीचे आना है, या लेफ्ट से राइट जाना है, या राइट से लेफ्ट आना है, ये सारा मैक्रो जो है हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे देखेंगे, ये फिर आ जाता है। तो ये एंड वाला मेथड होता है, जैसे एक्सेल में होता है ऐसे यहाँ भी होता है, और यहाँ भी ऑफसेट वर्क करता है सर। जैसे यहाँ ये आपका दिख रहा हो करेंट से नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट डेटा सेल, यहाँ पे दिख रहा है स्पेसशीट एप डायरेक्शन अप डॉट एक्टिवेट डाउन डॉट एक्टिवेट। नेक्स्ट, हाँ सर, प्रीवियस और नेक्स्ट होता है लेफ्ट और राइट की जगह पे। नेक्स्ट और प्रीवियस लेफ्ट राइट के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है सर, इसका इस्तेमाल होता है। तो सर इसकी